सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे। जय हिंद, भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच इंडियन आर्मी GD के 1 नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन लेकर आया हुआ हूं। ये जो हमारा 1 नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा ARO दानापुर का है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। ये हमारा ARO दानापुर का 1 नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग पार्ट वन देख लेंगे, जिसमें पार्ट में हमारे 25 क्वेश्चन होंगे और पार्ट टू में जैसे हम लोग हमेशा 25-25 क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही करेंगे। अब देखिए, अगर आपको GD के सिलेबस को जानना हो बिल्कुल पूरी तरीके से कि क्या होती है सिलेबस, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, फुल मार्क्स कितनी होती है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सबके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आपको सिलेबस जानना हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंडियन आर्मी GD के सिलेबस को देख सकते हो। और देखिए, इससे पहले हम सभी ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर की क्लासेस बता दी हैं, बहुत ही ज्यादा प्रीवियस ईयर हमने क्लासेस करवाई हुई हैं। तो यदि आपसे कोई भी प्रीवियस ईयर क्लास मिस हो गई हो तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको अभी आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जहां से जाकर आप जो हो पुराने सारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स करीब 4 से 5 सालों के देख सकते हो आपका GD का, इंडियन आर्मी GD के लिए। तो चलिए अच्छी क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि देखो, हम लोग बहुत जल्द इंडियन आर्मी की क्लासेस लेकर आने वाले हैं, जो कि हमारी सारी की सारी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, एवरीडे चलेंगी। एवरीडे हम लोग 5-5 सब्जेक्ट की क्लासेस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड आपका GK सेक्शन। ये पांचों सब्जेक्ट जो है हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट हमारी एवरीडे बेसिस पर आएंगी, 5-5 वीडियोज आएंगी, 5-5 क्लासेस आएंगी एवरीडे बेसिस पे, तो काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, आपको जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास में सबसे पहले देखो, क्वेश्चन हम लोग आज जो है 15 क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि सिलेबस के अनुसार 15 क्वेश्चन GK के हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन होंगे आपके GS सेक्शन से, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से। बाकी 5 क्वेश्चन जो 15 आते हैं आपके GS से, तो 5 और 5 रीजनिंग के और 15 मैथ के हम लोग पार्ट टू में लेकर आएंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बता दें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 3 वर्ष। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सब भी जानते हो कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है टोटल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों? 5 वर्ष। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल दिया गया है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी गुजरात। तो देखिए, अक्षरधाम मंदिर जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, और वो कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल दिया गया है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताना है, कालाहारी मरुस्थल जो है वो किस देश में है? ए सऊदी अरब, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चिली या फिर डी भारत। तो देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल कर लेंगे। वो 4 नंबर सवाल दिया गया, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। हमें भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताना है। ए सिरहद नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी यमुना नहर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? ए बंगलुरु, बी रायपुर, सी बिलासपुर या फिर डी हैदराबाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। चलिए अब सभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल देख लेंगे। 6 नंबर सवाल दिया गया, सार्क के सदस्य कितने देश हैं? बताना है कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं। पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन है 8, बी 6, सी 5 या फिर डी 3। तो देखिए, सार्क से टोटल जो है 8 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। सार्क संगठन में कितने देश हैं? तो टोटल 8 कंट्रीज हैं, 8 देश हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल देख लेंगे। 7 नंबर सवाल दिया गया, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए बंगलोर, बी पटना, सी दिल्ली या फिर डी कलकत्ता। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 आठ नंबर सवाल दिया गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ए ग्रेलीले, बी चार्ल्स बाबेज, सी आइंस्टीन या फिर डी फारेनहाइट। देखिए आप सभी जानते हैं चार्ल्स बाबेज ने जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताना है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, किसे बोला जाता है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। देखिए भारत में यदि बात करें जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक, राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। और एक चीज में एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए कि क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल देख लेंगे। 10 नंबर सवाल दिया गया, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी? ये बताना है कि किसके वचन थे, किसका ऐसा सोच था, किसकी नीति थी कि एक जनता एक राष्ट्र एक नेता होना चाहिए। ए स्टालिन की, बी मुसोलिनी की, सी हिटलर की या फिर डी लेनिन की। तो देखिए एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, ये जो सोच थी, ये जो नीति थी, वो थी लेनिन की। किसकी? तो लेनिन की। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कर लेंगे। 11 नंबर सवाल दिया गया, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी, जो भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन चलने वाली है जापान देश की मदद से, तो वो जो है किस किस शहर को जोड़ेगी, ये बताना है। ए अहमदाबाद व मुंबई, बी दिल्ली व अहमदाबाद, सी दिल्ली व मुंबई या फिर डी दिल्ली व अहमदाबाद व आगरा। तो देखिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो जोड़ेगी अहमदाबाद और मुंबई को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना एस्टेब्लिश किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में उसे स्थापित किया गया था? ए 1602, बी 1598, सी 1605 या फिर डी 1600। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दिवस जो, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है स्थापित किया गया था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल दिया गया, मोहन बगान किस खेल की टीम है? देखो मोहन बगान जो है एक खेल का टीम का नाम है, ठीक है, मोहन बगान एक खेल की टीम का नाम है। एक क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल या फिर डी हॉकी। बताना है कि जो मोहन बगान टीम है वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से या फिर डी हॉकी से। तो देखिए मोहन बगान जो टीम है वो संबंधित है आपका फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है आपका फुटबॉल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल देख लेंगे। 14 नंबर सवाल दिया गया, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या फिर डी अरब सागर। तो देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो, देखो चाहे यहाँ पे आप एक चीज ले सकते हो, इसको या तो गहरा बोल सकते हो या फिर इसी को बोल सकते हो सबसे बड़ा, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हो लंबा, ये तीनों चीज हो जाता है, ठीक है। अभी जो इन चार में जो ऑप्शन में टिक करने वाले हैं वो तीनों है, गहरा भी है, सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे लंबा महासागर भी है। तो वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। क्या हो गया हमारा आंसर? तो हमारा आंसर है प्रशांत महासागर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल देखेंगे, और जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर सवाल दिया गया, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए लेनिन, बी मैक्स मूलर, सी जॉर्ज वाशिंगटन या फिर डी एडोल्फ हिटलर। तो देखिए रूसी क्रांति के जनक के रूप में भी लेनिन को ही जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए लेनिन। चलिए हम सभी, यहाँ पे जो है हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से जो है हमारा आपका जीए सेक्शन चालू हुआ है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान सेक्शन, और इससे आपके टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब 15 हमारे हो चुके हैं जीके के, तो केवल अब पार्ट वन में करने को 10 ही बचे हैं, क्योंकि 25 ही हम लोग करते हैं पार्ट वन में क्वेश्चन एवरी डे, तो 10 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी बचे 5 क्वेश्चन जीके के, अब जीएस सेक्शन के हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं वो भी नेक्स्ट क्लास में, जो 15 क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ से वो भी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 16 जीएस सेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल दिया गया है कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम सब पीते हैं वो बताना कि उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस भरी हुई होती है। N2 नाइट्रोजन, बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 हाइड्रोजन या फिर डी O2 ऑक्सीजन। तो देखिए शीतल पेय में जो है CO2 गैस भरा जाता है, ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है शीतल पेय। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल दिया गया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। हमें साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट का हमें साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र बताना है। HCl कैल्शियम, बी NaCl, ठीक है NaCl हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, फिर ऐसे तो NaCl2 लिखा होना चाहिए था लेकिन NaCl ही डिकोड किया जाता है क्योंकि इसे 2NaCl लिखा जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए इसे NaCl2 लिखा होना चाहिए था लेकिन ये कुछ इस तरीका से लिखा जाता है। 2 अभी नहीं दिया गया है आपको ऑप्शन में इसलिए मैं यहाँ पे इसे नहीं दर्शाऊंगा, लेकिन जब संतुलित पढ़े ही होंगे, बैलेंसिंग आपने पढ़ी हुई है क्लास 10 में ही, तो कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता था उसी से जुड़ा हुआ है। NaCl सोडियम क्लोराइड, BH2O जल या फिर DKCl, ठीक है, कैसे क्या होता है आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम क्लोराइड। तो चलिए अब हम सभी देख लेंगे कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या होता है तो ऑप्शन नंबर बी NaCl, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल दिया गया, खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है, बताना है कि खगोलीय दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, किससे मापा जाता है, ए मीटर में, बी किलोमीटर में, सी प्रकाश वर्ष में या फिर डी समुद्री मील में, ठीक है नॉटिकल माइल में। तो देखिए खगोलीय दूरी को जो है मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है लाइट ईयर्स में मापा जाता है, खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स में मापा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल दिया गया है, 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है ए 48 डिग्री सेल्सियस, बी 24 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 32 डिग्री फारेनहाइट जो है वो बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, किसके बराबर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस के। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल दिया गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, हमें एसआई यूनिट बताना है प्रतिरोध का, ए कूलाम, बी एम्पियर, सी वाट या फिर डी ओम। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है ओम। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल दिया गया, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है, ए कंप्यूटर, बी रेडियो, सी टेलीविजन या फिर डी बल्ब। तो देखिए कम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो है वो बल्ब नहीं है, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं ये तीनों, लेकिन बल्ब किसी प्रकार का यंत्र नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बल्ब यंत्र लिख रहा हूँ, बल्ब हो गया, ठीक है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बल्ब। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल कर लेंगे। 22 नंबर सवाल दिया गया, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। बिजली का हीटर तो शायद आप सभी ने देखा ही होगा, बिजली के हीटर पर खाना बनाने का कार्य किया जाता है, उससे खाना बनाया जाता है। तो बिजली के हीटर में देखो जिसका तार होता है जो कि गर्म होकर, बिजली से गर्म होकर चमकता है रेड कलर में, और उसी के ताप की वजह से जो भोजन पकता है, तो वही तार के बारे में बताना, जो तार जो एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, ए कॉपर, बी नाइक्रोम, सी लेड या फिर डी चांदी। तो देखिए वो बना होता है नाइक्रोम धातु का, किस धातु का बना होता है तो ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे, ठीक है 23 नंबर सवाल दिया गया है, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है, हमें पे ध्वनि की गति बताना है कि हवा में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल क्या होती है, ए 330 मीटर पर सेकेंड, बी 350 मीटर पर सेकेंड, सी 211 मीटर पर सेकेंड या फिर डी 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की ध्वनि की जो चाल है ध्वनि की वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल जो है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल कर लेंगे। 24 नंबर सवाल दिया गया है, जब नीले लिटमस पत्र को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पत्र किस रंग का हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है ना आपको ये एसिटिक जो है केवल दिमाग आपका घुमाने के लिए आपको
आपको बुलाने के लिए दिया गया है। सीधा सा ये अम्ल देखो, ठीक है, आप सबने बचपन में ही पढ़ा है, कक्षा 10वीं में ही इस बात को आपने पढ़ लिया है, क्लास 10th में ही, कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। हम सब जानते हैं कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, तो इसीलिए यहां पर इन्होंने क्या किया, केवल अम्ल ना लिखकर लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ हमको ये अम्ल दिखना चाहिए, हमको बाकी कुछ नहीं दिखेगा, केवल अम्ल ही दिखेगा। अब अम्ल देखो, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है, ये हमने बचपन में ही पढ़ा है। अब चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे, 25 नंबर सवाल। आज का आखिरी सवाल दिया गया है, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी के आंखों का रंग कैसा हो जाता है। बताना कि पीलिया रोग से ग्रसित जो रोगी होते हैं उन्हें उनका जो आंखों का रंग है वो कैसा हो जाता है, ए लाल, बी पीला, सी नीला या फिर डी नारंगी। तो देखिए, पीलिया रोग में जो है पूरा का पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है, तो पूरे शरीर के साथ हमारा आंख भी जो है वो क्या हो जाता है, तो पीला कलर का ही हो जाता है, पीला रंग का ही हो जाता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक होगा, इसी 1 नवंबर 2020 के जीडी के क्वेश्चन पेपर का वो पार्ट 2 होगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।